वैश्विक शिखर सम्मेलन आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति, समृद्धि के इस मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री प्रताप चंद षडंगी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर, इस मंच की मुख्य संचालिका राजयोगिनी बीके चंद्रकला जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अरुणा राय जैसे सक्रिय कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, मेडिकल फील्ड से, कॉरपोरेट जगत से, हमारे ऑनरेबल MLAs, मिनिस्टर्स और हमारे सामने उपस्थित भाइयों और बहनों, ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज ये मौका ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आपसे जुड़ने का हमें दिया है। मैं, आप लोगों ने सुना, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सारे शास्त्रोक्त नारे हमारे ही समाज की उत्पत्ति है, हमारी ही देन है। फिर ये भटकाव क्यों? हम जिस समय चक्र के घड़ी संधि के चौराहे पर खड़े हैं, ये वाकई हमें कहाँ ले जा रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर विचारणीय विषय है। शायद इसीलिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस डायमंड जुबली हॉल में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी पिछले 83 सालों से, अगर मैं सही हूँ, पिछले 83 सालों से, 1936 से, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर आध्यात्मिकता और सामाजिकता के स्तर पर मानव मात्र के उत्थान की जो दुंदुभी बजाई है, जो नारा लगाया है, ये निश्चित रूप से हमें समाज परिवर्तन में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, इनका आदर, इनका एक्सेप्टेंस पूरे समाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं समझता हूँ, निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसका कारण बहुत ही स्पष्ट है कि हम शायद जिस चौराहे पर खड़े हैं उसकी दिशा कहीं न कहीं जो बैलेंस है वो डगमगाता हुआ दिखाई देता है। इस एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा कारण है कि हमारे समाज में जो अन्याय, जो अत्याचार, जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव आज बैठा हुआ है, अंदर ही अंदर समाज को खोखला बनाए जा रहा है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए भी जो बीड़ा इस संस्था ने उठाया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। ब्रह्मा कुमारी, जितना मैं जान पाया हूँ, निश्चित रूप से समाज को
जो वैल्यू एजुकेशन है वो एक नया बीड़ा है इस समाज को संरचनात्मक क्रिएटिविटी संरचनात्मक ढंग से समाज को गठन करने का एक बहुत ही सशक्त जो माध्यम आज हो सकता है वो वैल्यू एजुकेशन है। हमारे एक वक्ता ने कहा कि हमारे पड़ोसी भी हमसे दूर जा रहे हैं। पड़ोसी क्या, हमारे अपने घर में ही बिखराव, हर एक के घर में, शायद ऐसा कोई घर ना बचा होगा इस देश में जहाँ की संयुक्त परिवार एक बड़ी बहुत ही कहेंगे कि सशक्त इकाई थी समाज को चलाने में, वो भी बिखरता हुआ लगता है। तो हम किस दौड़ में लगे हुए हैं भौतिकता के, लौकिकता के, ये सब चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं जनमानस में हर एक व्यक्ति को छू जाती हैं। इसलिए शायद ब्रह्मा कुमारीज की एक्सेप्टेंस हमारे बीच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये संस्था शायद व्यक्ति निर्माण का एक उद्योग है। यहाँ आते ही मनुष्य मात्र में कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ अच्छा भाव, कुछ न कुछ जागृति पैदा होने की एक जो वाइब्रेशन आती है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही समाज को आगे ले जाने वाली है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो राजयोग मेडिटेशन है वो मूल में है, एकदम उसका की है, राजयोगा इज द की। तो व्यक्ति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन संभव है। मुझे लगता है भविष्य में यही नारा सबसे सशक्त नारा बन के उभरेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं नाथमल भाई, लीना बहन जो उड़ीसा से आते हैं, उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, साध्यवाद देना चाहता हूँ जो हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाए। शुक्रिया, धन्यवाद।